मित्रों गुड मॉर्निंग। दो दिन की यात्रा के बाद मार्केट रिसर्च करने के बाद मैं कल रात को मैं अजमेर पहुंचा। अजमेर पहुंचने के बाद मैं पुष्कर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में अभी मैं निकला हूं बॉम्बे के लिए R&D करता हुआ, बिजनेस ट्रिप करता हुआ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी। मैं आज सुबह से जब अजमेर से क्रॉस हो रहा था तो मैंने बैंकों की तरफ देखा कि आज जो बैंकों के अंदर भीड़ होनी चाहिए थी लास्ट दिन के हिसाब से, कि लोग बैंकों में अपना कैश जमा कराएंगे, लाइन होगी, तो मुझे उतना भीड़ नज़र नहीं आ रहा किसी बैंक में। अभी मेरे सामने दो बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों बैंक में जो लाइन है वो ना के बराबर है। यहाँ तक कि ATM में थोड़ी बहुत लाइन है, लेकिन कैश डिपॉजिट करने में कोई लाइन नहीं है। अब बात आती है इस चीज़ की कि क्या ये क्या पोजीशन आएगी। अभी सबसे पहले तो जो पब्लिक का जो अनयूजेबल मनी था, जो हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि जो घरों में कैश पड़ा हुआ था 500, 1000, 2000 जो भी छोटा मोटा रुपया था, वो टुकड़े टुकड़े करके या थोड़ा थोड़ा पैसा वो बैंकों में आया, जिससे बैंकों की डिपॉजिट इंक्रीज हुई। और डिपॉजिट इंक्रीज होने का मतलब है कि बैंक के पास जब पैसा होगा तो वो उसको लेंडिंग करेंगे। लेंड करने के बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। काफ़ी कम होने का मतलब है कि अगर आज 5-6% के ऊपर 7% के ऊपर डिपॉजिट ले रहे हैं मैक्सिमम, तो वो 3-4% तक डिपॉजिट आ जाएंगी। जब 3-4% पर डिपॉजिट आएंगी तो जो लैंडिंग रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब 4-5% पे आज आराम से आपको इंटरेस्ट के ऊपर बैंक पैसा दे सकते हैं, टर्म लोन के रूप में, हाउसिंग लोन के ऊपर या दूसरी तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जब इजीली पैसा मार्केट में अवेलेबल होगा तो ये लोग बाइंग करेंगे। मान लो हाउसिंग लोन है तो वो बाइंग करेंगे। नो डाउट इफेक्ट होगा उन लोगों को जो पेंशनर हैं, जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अपनी लाइफ जी रहे हैं, कि जो इंटरेस्ट के पैसे के ऊपर, वो लोग थोड़ा सा तकलीफ उनको आएगी क्योंकि जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन जब विकास दर इंक्रीज होगी और महंगाई थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा गैप जो है आज की रेट में वो है, मैंने जो देखा कि सिर्फ 10% बिलिंग होती है रिटेल इंडस्ट्रीज में। मीन्स कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मेडिकल स्टोर है, या आपके ग्रॉसरी स्टोर हैं, या आपके ट्रेवल इंडस्ट्रीज है जैसे कि टेम्पो हैं जो डेली नीड की है, ये हमारी इकोनॉमी में 90% स्टेक रखते हैं। मतलब 90% प्रोडक्ट के अंदर कोई बिलिंग सिस्टम नहीं है, तो इससे वो बिलिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। मीन्स लोग बिलिंग कराएंगे, जब बिलिंग कराएंगे तो वो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ग्रोथ आएगी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मीन्स रोड्स बनेंगे। जैसे मैं कल जयपुर से अजमेर आ रहा था तो ये पोजीशन थी कि मैं 1.5-2 घंटे में अजमेर पहुंच गया। यही आज से 15 साल पहले जब मैं ड्राइविंग करके अजमेर से जयपुर आता था तो 4-4 घंटे लगते थे। मतलब 30-40 से ज़्यादा की एवरेज नहीं आती थी ड्राइविंग की। तो ये सारी चीज़ क्या है, इफ़ेक्ट करती है। अब बात आती है कि क्या होने जा रहा है। एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो महसूस करी है इस चीज़ के अंदर कि जो नोटबंदी के बाद जो माहौल बना हुआ है, लोगों में एक चीज़ तो बहुत क्लियरली पैदा हुई है, और वो ये है कि जब मैंने सर्वे किया कि जो 90% लोग हैं रियल में, उनकी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। मतलब गांवों में जो लोग हैं वो खेती करते थे, मजदूरी करते थे, उसकी वजह से ये सारा मतलब 90% लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और वो पहले वो उधार लेते थे दुकानदार से, आज भी उनको दुकानदार उधार दे रहा है। इफेक्ट पड़ा है उस लोग को जो यू कैन से दुकानदार आगे होलसेल में
बाय करता है, तो इसके उसके पास इतना फंड है कि वो 6 महीने साल भर का स्टॉक या गांव के लोगों को वो खिला सके, और उससे भी उसको रिवेन्यू जनरेट हो रही है। अच्छा है कि भाई चलो पैसा नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करने आता है उसके पास, यार मैं पैसे की तंगी है, मैं बाद में दूंगा। और ये इस तरीके से मतलब एक भाईचारा भी बड़ा है, रिक्वेस्ट लेवल भी बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं कल जब गा रहा था तो मैंने 3 लोगों को मेरी गाड़ी में लिफ्ट दिया, और तीनों अलग अलग टाइप के थे, एक टीचर्स थे, दूसरे एक मेडिकल स्टोर था उनका, और जो चौथे थे वो एक टावर कंपनी में जॉब करते थे। मैंने उनसे पूछा भी आपको क्या फ़र्क पड़ा है, तो तीनों ने कहा कि एज कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन तीनों ने एक चीज़ तो बोली कि ये मोदी ने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है चेंज होगी, और मुझे एक चीज़ महसूस हो रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी जब मजबूत होगी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, जो पॉपुलेशन मतलब 125-130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक इतना बड़ा कस्टमर डाटाबेस बनेगी, एक इतने मीन्स हर आदमी को रोज़गार मिलेगा और उस चीज़ को आगे बढ़ेगा। मैंने अभी R&D करते करते हम लोग पहुँचे एक नतीजे के ऊपर कि गाँवों की क्या पोजिशन है। रियल में अगर देखा जाए कि अगर हमें विकास की ज़रूरत है तो हमें गांवों में विकास की ज़रूरत है। वो विकास किस तरीके से, नंबर वन कि उनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, नंबर टू एजुकेशन के साथ में उनको अच्छे वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो उनको एक शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। उनको अच्छा खाना तो मिल पाता है, एक अच्छा फूड तो मिल पाता है, लेकिन अच्छा पानी नहीं मिल पाता है, एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और वो सारी सारी चीज़ इस नोटबंदी के बाद में होगा। क्योंकि सो आई थिंक जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, यहाँ तक कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारा टैक्स स्लैब है जो अभी वो 5 लाख तक भी आ जाएगा मिनिमम टैक्स पेमेंट का, और जब वो 5 लाख पे आएगा तो लोगों की एक बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और हर आदमी टैक्स पे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई शायद कुछ ही परिवार ऐसे होंगे जो कंपनी टैक्स नहीं पे कर पा रहे होंगे उस तरीके से। मतलब हमें इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, मोदी जी ने जो किया है। कुछ लोग कहते हैं मोदी भक्त हैं या इस तरीके से है, एक परिवार होता है, जहाँ तक मेरी अपनी एक धारणा है, मैं कितनी बार गिरा हूँ, उठा हूँ, चला हूँ, मैं अपनी मस्ती मस्त रहता हूँ, लोग कुछ भी कहते रहे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। जो चीज़ मोदी जी ने आज की है, शायद जो मुझे पुराने जानते होंगे लोग, जो मेरे पुराने मित्र हैं, मैं आज से करीब 17-18 साल पहले इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो ये सोच मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। इत्तफाक से हम कर भी रहे थे, लेकिन कुछ सरकम चांसेस ऐसे आए कि वो हमें उसको कंपनी को बंद कर देना पड़ा। लेकिन ये भी फैक्ट बात है कि वो जितने भी मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, पुराने मेरे कंपनी के पार्टनर्स हैं, पार्टनर मीन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, यहाँ तक कि कस्टमर्स हैं, उनको मैं कभी लॉस नहीं जाने दूंगा, उनको किसी ना किसी रूप में बहुत जल्दी कैसे ऐसा चीज़ दूंगा कि वो आगे बढ़ सके और मेरी इस मूवी में वो आगे पहुंच सके। लेकिन ये फैक्ट बात है कि आने वाला जो समय है वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, नंबर वन। नंबर टू कि हमें पॉजिटिव उससे चलना चाहिए। एक चीज़ मैंने बहुत अजीब सीखी है, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, और मैं ड्राइविंग करते करते लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, उनमें बिजनेस ढूंढना, उनके उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो विचारधारा है उससे सीखना, मतलब ये एक अलग ही माहौल पैदा होता है कि जिससे हम कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, मनी के रूप में नहीं, नॉलेज के रूप में। कुछ लोग अलग शिक्षा दे जाते हैं हमको किसी दूसरे रूप में, कुछ लोग अलग अलग अनुभव दे जाते हैं किसी दूसरे रूप में, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमको उस चीज़ को मतलब बेनिफिट मिलता है, मतलब कैश में मिले, काइंड में मिले, एक्सपीरियंस से मिले या अपॉर्चुनिटी से मिले। एक चीज़ मैं जो ड्राइविंग की बात कर रहा था कि हर आदमी के अंदर एक शौक जरूर होना चाहिए, वो कुछ भी है, मे बी वो रीडिंग का हो सकता है, मे बी वो ड्राइविंग का हो सकता है, मे बी वो अच्छा फूड का हो सकता है कि अच्छा फूड खाने का शौकीन हो, मे बी वो अच्छा सिंगर हो सकता है कि वो सिंगिंग का शौक हो, सिंगिंग आती है ना होती हो, लेकिन उसको सिंगिंग करने का शौक, मे बी डांसिंग का शौक। हर लाइफ में एक शौक जरूर होना चाहिए जो उसके साथ हर वक्त रहे, मतलब वो जब भी उसको महसूस हो कि मुझे यार सिंगिंग
सिंगिंग करनी है तो वो सिंगिंग कर सके, मे बी बाथरूम सिंगर भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, या जो उसको अच्छा लगे, रीड अच्छा बुक राइडिंग भी कर सके, रीडिंग कर सकता है, वो बुक भी पढ़ सकता है, मतलब जो भी उसका शौक है, और उस शौक को पालना चाहिए। अब बात आती है कि लाइफ को जीने की, बहुत नज़दीक मैं रात पुष्कर घूम रहा था, घूमते घूमते काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे, मैं बिजनेस करते करते इन्जॉय करता हूँ, बिजनेस में अपना मेरी हॉबी है बिजनेस करना, ड्राइविंग करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, अच्छी सोच ढूंढना, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ चीज़ ये ऐसी है कि जैसे हमने माई मनी सेवा भी लॉन्च करी है तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, वो चीज़ ऐसी बना दी है कि आप उसको देखेंगे वो एक अपनी दुनिया है, मतलब करेंसी खुद अपने आप में है, ई वॉलेट है, मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर, बैंकिंग है उसके अंदर, हर वो आदमी को जो चीज़ चाहिए वो उसके अंदर अवेलेबल है, कुछ लाइव हो चुके हैं, कुछ लाइव हो जाएंगे। अब बात आती है इस चीज़ की कि ये आने वाला जो समय है क्या है, ये फैक्ट बात है, जो मेरे पुराने मित्र मुझे जानते हैं मैं कुछ अजीब ही सोचता हूँ, अजीब किस तरह सोच रहा हूँ कि लोगों का, जैसे ही नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने के बाद में कुछ चीज़ तो बहुत इफ़ेक्ट हुई कि दो तीन दिन आदमी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, भाई कुछ पैसा ही नहीं है जेब में, अचानक ही सारा सारा हो गया, लेकिन कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, जो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि पॉस मशीन है, वॉलेट कंपनी है या दूसरी चीज़ है, तो उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और अब उसी तरीके से आने वाला समय, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, और मैं क्योंकि धीरे धीरे जैसे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड हो गया है, हम कुछ भी चीज़ कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर हम पहले ज़माने में हम यहाँ से कोई लेटर भेजते थे कि हमने एक कोरियर भेजना है, लेटर भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सुपर स्पीड पोस्ट भेजते थे, नॉर्मल पोस्ट भेजते थे, अभी ज़माना चेंज हुआ तो व्हाट्सअप भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, और उसी से सारा काम होता है। उसी तरीके से मनी का है, करेंसी का है, धीरे धीरे जैसे ये करेंसी है, अभी जैसे मैंने देखने को पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, बिटकॉइन है और ऐसी करेंसी हैं, धीरे धीरे वो अपना एक अच्छा रूप लेती चली जा रही हैं, कि लोग एक ट्रस्ट वाली करेंसी बनती चली जा रही है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होंगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक ऐसी करेंसी, मतलब धीरे धीरे जो स्टेट की या गवर्नमेंट की करेंसी होती हैं, प्राइवेट पैरेलली काफ़ी प्राइवेट करेंसी पॉपुलर होनी शुरू हो गई हैं, लोग उसमें व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, करेंसी भी इंटरनेट की तरह एक नॉर्मल हो जाएंगी, कि किसी भी कंट्री की करेंसी नहीं होंगी, पूरी करेंसी वर्ल्ड वाइड चलेंगी, और ये अपॉर्चुनिटी है, मे बी कितने टाइम में क्या होता है, और जब ये प्राइवेट करेंसी इतना बड़ा रूप ले लेंगी और उसमें बेनिफिट मिलेंगे लोगों को, उसमें गेन मिलेंगे ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ, तो हमें जो मित्र बिटकॉइन अथवा प्राइवेट करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, और उस करेंसी का ये रूप होगा कि ये वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसी तरीके से मैंने जो ऐप बनाई है, आने वाले समय में लोग इसमें मनी लोड करते हैं, उसकी सर्विस यूज करते हैं, अपने आप में ये प्राइवेट करेंसी बन जाएगी, जिस करेंसी से सारी की सारी सर्विसेज, या करेंसी कहो आप, इसको टेंडर कहो आप, इसको मनी कहो, जो मर्जी आप कह सकते हैं, क्योंकि नाम जो है वो अपने आप पड़ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट धीरे 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 ये पोजीशन आएगी कि हम उस चीज़ को बहुत आगे कर सकते हैं। मतलब मेरा एक मानना है कि आने वाला जो समय इंडिया के लिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, नंबर वन, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं हर वक्त, अरे ये हो गया तो ये हो जाएगा, मतलब उनको मज़ा आता है नेगेटिव बात करने में, वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, तो हर तरह के लोग होते हैं कि समाज के अंदर, क्योंकि उनके बगैर समाज भी नहीं चल सकता, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके बगैर भी समाज नहीं चल सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, कि नेगेटिव मतलब एक जैसा कहते हैं ना, एक गवर्नमेंट के लिए एक विपक्ष बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से समाज में नेगेटिव भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उस नेगेटिव लोगों को जो आपको क्रिस्टलाइज करते हैं, आपके विजन को नहीं समझते हैं, आपके आपको हौसला नहीं देते हैं, आपको डाउन करते हैं, ऐसे लोग भी होने चाहिए जिससे आपको हिम्मत मिलती है। तो उसी तरीके से मेरा मानना है
कि एक नए मुकाम पे मैं निकला हूँ, और वो मुकाम ये है कि पूरे इंडिया में हर गांव में, अब मैंने क्या सोचा है कि सबसे पहले 6.5 लाख गांवों के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना, जिससे मनी ट्रांसफर बहुत इजी हो जाए, पेयर टू पेयर, पी टू पी, मतलब पर्सन टू पर्सन हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकें, पर्सन टू पर्सन हम सर्विस ले सकें, और पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर तालुका में हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं, जो जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो वन स्टॉप शॉप और डनकार्ट से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा, मैं अपना नंबर शेयर करूँगा उन लोगों को, वो उनको अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा, और उस अपॉर्चुनिटी को वो मेरे साथ में कैश कर सकते हैं, अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, पॉजिटिव वे के साथ में वो इस अपॉर्चुनिटी को लें। और जो मुकाम मैंने 10-16 साल पहले शुरू की थी 2000 में, और जो 2010-12 तक बहुत अच्छी चल रही थी, किसी कारण से कुछ हमारे आपसे डिस्प्यूट से वो डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, और मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, स्पेशल रेस्पेक्ट दूंगा, स्पेशल ऑनर दूंगा उनको, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस मुहिम के अंदर, और आगे भी मुझे ऐसा देते रहें। अब बात आती है इस चीज़ की कि ये चीज़ क्या बनने जा रही है। ये चीज़ एक अपने आप में, जो माई मनी सेवा की जो ऐप है, ये इतना बड़ा स्ट्रांग पोजीशन है कि इसके अंदर हम करेंसी को अथवा डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, जहाँ जिसका ऑनर होता है कमिटमेंट, मतलब अगर आप किसी चीज़ को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उससे वो ऑनर कर सके। जैसे कि आप, मैं अभी नेपाल गया था, तो इत्तेफाक से मेरे पास नेपाली करेंसी कुछ मेरे जेब में आ गई, तो बॉर्डर तक तो ठीक था, मैं उसको चेंज कर सकता था, अथवा उसको लोग ले सकते थे कि चलो ठीक है बाजू में दे देंगे। लेकिन जैसे ही गोरखपुर पहुंचा तो वो मेरे लिए जीरो हो गई, मतलब कभी वापस मैं जाऊंगा तो तब उसको दे सकता हूं। मींस एक कंट्री की करेंसी भी अगर 100-200 किलोमीटर तुम्हारे रेडियस में आ जाती है तो भी वो वेस्ट हो जाती है। उसी तरीके से ये एक बेनिफिट रहेगा, जैसे बिटकॉइन है या दूसरी करेंसी आ रही है जो नेशनल लेवल की चल रही है, वो सारी सारी चीज इसमें बेनिफिट हमको करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक नई चीज, मतलब एक जो माई मनी सेवा हमने लॉन्च करी है, ये एक अपने आप में एक ऐसी चीज बनेगी कि इसको लोग यूज करेंगे, इसको बेनिफिट करेंगे, इसको हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा तैयार करें, ऐसा माहौल तैयार करें कि हम मोदी जी को, जैसे आज देखने को मिला है बैंकों में कोई भीड़ नहीं है, सब लोग अपने तरीके से जो मनी था उसको यूज कर लिया है, और उसको अभी यू कैन से इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तकलीफ उन लोगों को हुई है जो इस देश को, दूसरी भाषा में तो कहें कि इस देश के कुछ दुश्मन थे जो भारतीय इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को ख़त्म कर रहे थे ब्लैक मनी से या दूसरे तरीके से। कुछ ऐसी सरकारें नहीं हैं जिन्होंने, विकास तो ठीक है, विकास तो बहुत दूर की बात है, हमारे छोटी छोटी कंट्रियाँ सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जो हमारे बहुत बाद आगे आई हैं, वो इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि उनकी करेंसी स्ट्रांग है, वहाँ पे लोग आज टूरिज्म प्लेस बना दिया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारा इंडिया की पोजीशन ऐसी कर दी कुछ फैमिली ने, कुछ सरकारों ने, जो बहुत बुरी पोजीशन पर आ गई। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, सही तरीके से करें, सपोर्ट करें, और हमारे जो मोदी जी का, शायद वो एक दो दिन के अंदर अपनी स्पीच देंगे, लोगों को अपना भाषण देंगे, उसमें काफ़ी चीज़ करेंगे, और हमको उनके विश्व, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है बना के रखना चाहिए। एक हीरो है वो, जैसे कहते हैं सेलिब्रिटी होती है, एक हीरो है आम पब्लिक के लिए, और चेंज बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग अपने घर को साफ करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, उसी तरीके से देश को साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कुछ लोग ने गंदगी मचा दी थी, वो गंदगी साफ करनी बहुत ज़रूरी है। अब पोजीशन ये आ रही है, धीरे धीरे चीज़ साफ हो रही है, और एक थोड़ा चेंज आ रहा है लाइफ के अंदर, लोगों के लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है। और नो डाउट मैं भी विक्टिम हूँ जो नोटबंदी हुई, बट एक नई सोच के साथ में फिर हम दूसरी एक आगे बढ़े हैं कि भाई ये चीज़ को हम इस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। तो मेरा आप दोस्तों से एक ही सोच है, एक ही निवेदन है कि हमें एक नया भारत का निर्माण करना है, नई न्यू इंडिया बनाना है, एक ऐसा इंडिया जहाँ पे, कभी कभी आपने देखा होगा, मैं एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, कि मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कि ये ऐप है, कहते यार, और वो बहुत सीनियर आदमी, मतलब नोएडा में एक अच्छी पोजीशन पे वो
जॉब करते थे, देखा मैंने उनको, बातचीत किया, तो कहते यार नहीं मेरे को नहीं आता है ये ऐप ऐप का, तो एक काम कर मेरी बेटी को बता ये कैसे रन होती है। तो बेटी ने जब वो बताने गए, मैं बताया उनकी बेटी को कि इस तरह की हमारी ये ऐप है, इस तरीके से वर्क करती है, तो वो अपने आप ही ये चीज़ सोचने लगे, कहते यार क्या ज़माना आ गया है, अब इस तरह से भी ट्रांजेक्शन होंगे, इस तरीके से काम होंगे। तो लोग है ना सीखना नहीं चाहते हैं, तो लोगों को सीखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मतलब अमिताभ बच्चन जी इस चीज़ के उदाहरण है कि वो कहते हैं लास्ट मोमेंट तक काम करते रहेंगे या कर रहे हैं। मतलब जिस दिन हमने अपने आप को ये महसूस कर लिया कि मैं रिटायर हो गया, मैं आराम करूंगा, उस दिन मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी। और वो जैसे कोई पुरानी गाड़ी होती है वो साइड में पार्क कर दी, धीरे धीरे जंग लग जाता है। हमें अपनी गाड़ी को, अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को हर वक्त चलाते रहना चाहिए, और जिससे वो मजबूत रहे और सही तरीके से वर्क कर पाए, ये मेरा अपना मानना है। और रही बात, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमें कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने 2000 करोड़ का नुकसान किया, मैं तब भी नेगेटिव नहीं हुआ, मेरा घर बिक गया, मैं तब भी नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने अपने आप में वो दिन देखे तब भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ। और जोश है, जोश के साथ साथ कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा जैसे कहते हैं ना वो धन के लिए है, धन के लिए हम निधन जब होते हैं तब तक दौड़ते रहते हैं, तो उस धन, वो धन किस काम का जब हम निधन तक के लिए दौड़ रहे हैं। जितना भी हो सके हम लोगों को सुखी देखें, लोगों को हम कुछ ना कुछ दें, मतलब किसी भी रूप में हम उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी नॉलेज दें, अपना जो एक्सपीरियंस उनको शेयर करें, हम अपना जो विचारधारा है उनको शेयर करें, और बच्चों को प्यार करें। हो सकता है मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ मेरे बच्चों को, तो दुख तो होता है, बट किसी ना किसी आदमी को समाज के प्रति या अपने काम के प्रति टाइम देना पड़ता है कि भाई चलो उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। बट मोदी जी ने जैसे, अब कुछ लोग उनके ऊपर अपेक्ष लगाते हैं कि वो घर में या बाहर में परिवार की चिंता नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आज क्योंकि ये फैक्ट बात है कि एक वो भी उसी युग से आए हुए हैं। हम तो हम तो अपने आप को युवा समझते हैं, 47 हो गया हूँ फिर भी युवा मैं समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि युवा मतलब जो बच्चे हैं आज जो 30-35 साल के हैं, 40 साल के हैं, वो उनके फैन हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया, सिस्टम को बहुत आगे बनाया, राजनीति में एक नया रूप दिया। किस तरीके से कि वो जो राजनीति है, उस तरह की राजनीति जहाँ पे लोग सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लोकल पार्टी हुआ करती थी, धीरे 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 एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम बनेगा। जैसे अभी मैंने सुनने में आया है कि एक ही दिन चुनाव हुआ करेगा पूरे इंडिया के अंदर, या एक ही बार चुनाव हुआ करेगा, तो कितना खर्चा बचेगा, तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने जैसा है इंडिया में। और इंडिया की जो शायद मैंने लास्ट बार भी बताया था आपको कि सिर्फ 42,900 लोग ऐसे हैं इंडिया में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने 1,00,000 से ऊपर का टैक्स पे किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 से ज्यादा टैक्स पे करने वाले सिर्फ 42,900 लोग हैं। अगर हमारी पॉलिसी या हमारा सिस्टम मजबूती से चलता है, सही तरीके से चलता है, जहां तक मेरा मानना है कि 1,00,000 लोग ऐसे होंगे बॉम्बे के अंदर जो 1,00,000 से ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम मजबूत नहीं है, डर नहीं है। डर अगर हमारे अंदर डर पैदा हो जाए कि भाई हमें टैक्स चोरी, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि टैक्स चोरी करने को एक ऐसा क्राइम बना देना चाहिए कि जो लोग कभी सोचे भी ना। हम जो नॉन बिलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कच्ची बिलिंग है, हम जो बिलिंग नहीं करते हैं उनके लिए एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि वो उस चीज़ को सही तरीके से देख सके या वर्कआउट कर सके। थैंक यू, थैंक्स लॉट, मैं मिलता रहूँगा। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेरे अपने विचार मैं शेयर करता रहूँगा आपसे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, प्लीज़।